अच्छा, लेकिन सक्सेसफुल एक्टर, सक्सेसफुल हस्बैंड और सक्सेसफुल फादर। सक्सेसफुल एक्टर एंड सक्सेसफुल फादर कह सकता हूँ मैं। प्रोबेबली हस्बैंड मैं इतना अच्छा नहीं रहा कभी भी। आप अच्छे नहीं रहे या लोग अच्छे नहीं रहे आपके साथ? आई डोंट नो, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। मैं मेरा मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने जिंदगी के मसाइल को दूसरे पे डाल दूं। ठीक है, आई थिंक मेरे अंदर भी कुछ फ्लॉज होंगी, मेरे अंदर शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे। आई हैव बीन अवे फ्रॉम माय मदर। मैंने जैसे भी हम लोगों ने डिस्कशन की, मैं सिंस द एज ऑफ 15 आई एम नॉट विद माय एक्चुअल मदर, शी इज इन दुबई एंड समहाउ वी आर नॉट वेरी क्लोज। तो मुझे लगता है कि वही जो एक एलिमेंट था of looking for a mother who genuinely can love you with all my flaws, that never happened. I have been looking for a mother internally. अब मैं आके समझ में मुझे आता है कि हाँ शायद ये ऐसा था। तो मुझे शायद वो जो सपोर्ट और वो जो ग्रेस चाहिए थी, वो ग्रेस ना मिलने पर भी मैं थोड़ा खफा रहा चीजों में, और कुछ और भी मामला थे जिन्हें दूसरों ने मुझे खफा किया। बट नथिंग टू ब्लेम, नो वन टू ब्लेम। हमेशा मुझे लगता है अपने ही फ्लॉज होते हैं। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि आपकी वजह से आज ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट डिस्कस करने का मौका मिला। ये दो बहुत खतरनाक कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे आपने, मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बुढ़ के देखती हूँ तो कमियां देख सकती हूँ, जिसकी वजह से यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स एंड टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, जो नहीं होने चाहिए बच्चों के साथ, ताकि उनकी जिंदगियां जो है इमोशनली खला में ना जाएं और फिर गलत लोगों से उभरने की कोशिश ना करें। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं शमोन अब्बासी से और गपशप मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। ब्रेक में आपको पता है शमोन, हमारे एक नौजवान ने फरमाइश की चिट्टियां गलाई है ना कि यार अब मुकर रहा है। अच्छा तो चिट्टियां गलाई का मतलब बता दो, गाना सुना देंगे। चिट्टियां गलाई का मतलब क्या है? आप सुन के पता चला ना, सही बताना, झूठ नहीं बोलना। पहले से पता था आपको, लेकिन हम बाद में आपको सुना देंगे। ठीक है, अभी कोई और गाना। अच्छा शमोन, अगर मैं बात करूँ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, उसमें तो आप एक्टर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत नजर आते हैं। ये अब हुआ ये फर्क कि जब हमने शुरू किया तो NTM बिल्कुल नया नया था। एक्चुअली मैंने जब शुरू किया तो PTV था और NTM नहीं होता था। उसके बाद से फिर वो पहला प्राइवेट चैनल आया और वहां से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ चैनल का। तो हुआ ये कि मैं उस जमाने में डायरेक्टर ही था, और जिस किस्म के कॉन्सेप्ट हम लेकर आते थे उसमें जो प्रोड्यूसर चैनल्स होते थे वो बहुत ओपन होते थे, वो बहुत फ्री हैंड देते थे। उसमें मैं गजनफर अली साहब का सबसे सर फहरिस्त नाम है, उन्होंने बहुत सिखाया और उन्होंने बहुत फ्री हैंड दिया। उसके बाद आते आते वक्त ऐसा हुआ कि वो कुछ फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई ड्रामों की, जिनमें 22 सीन डेली होने हैं। तो वो एक टिपिकल एक आपको एक मीटर है जो पूरा करना है, अदरवाइज आप यू नॉट अ गुड डायरेक्टर। अगर आप बहुत रुक के काम करते हैं, सोच के काम करते हैं, तो एक्टर्स ने शिकायतें करना शुरू कर दी कि जी जल्दी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उसकी वजह से बहुत सारे डायरेक्टर्स पीछे ऑफ हो गए, उनमें बहुत सीनियर डायरेक्टर्स हैं। और वही हुआ मेरे साथ भी कि मैं उलझ गया। मुझे उस रेस में नहीं आना था कि मैंने कितने ड्रामे कर दिए। अच्छा, मुझे इस रेस में रहना था कि मैं क्या प्रोड्यूस करता हूँ, क्या डायरेक्ट करता हूँ और क्या लिखता हूँ। तो उस चीज ने थोड़ा सा स्लो डाउन मेरी, लेकिन अपनी इस आइडेंटिटी को आप एम्ब्रेस तो करते हैं ना कि लोग स्क्रीन ने आपको एज एक्टर ज्यादा एक्सेप्ट किया है। उसके बाद फिर हुआ ये कि वो फिर एज एन एक्टर मुझे लोगों ने फिर ज्यादा वो करना शुरू किया। तो अब वो जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट का सिलसिला शुरू हुआ तो ये जो जनरेशन है इसने मुझे एज एन एक्टर ही एक्सेप्ट किया। तो बट बाय प्रोफेशन आई एम अ डायरेक्टर एंड आई स्टिल यू नो आई फील ऑनर्ड इन दैट, बट एज एन एक्टर आई फील गुड। सही। कोई ख्वाहिशात, कोई रिग्रेट्स जो भी हो, और कोई ख्वाहिशात जो पूरी होनी बाकी हो, तीन ऑप्शंस अगर पूरी हो सकती हो तो वो कौन सी तीन चीजें होंगी जो कि आप अपनी जिंदगी में भरना चाहेंगे, हासिल करना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन और मेरी जो मेरे जो बच्चे वो मेरी जात से हमेशा खुश रहें और उनको किसी चीज की कभी जिंदगी में मेरे होते हुए कमी ना हो। एक तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मेरी वालदा है, वो उनको मैं चाहता हूँ कि उनके लिए सेहत, मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि उनकी सेहत हमेशा रहे और हमारे सर पर इसी तरह रहे। और तीसरी ख्वाहिश अगर है तो वो थोड़ी सी पर्सनल है, वो ये है कि डेफिनेटली इस काम में आ गए तो किसी ना किसी मकाम तक पहुँचे और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में मैं लगा रहता हूँ। पड़ोसी मुल्क से बहुत सारी ऑफर्स आई, लेकिन हमेशा मैंने ये सोचा कि अगर सभी माँ चले गए तो फिर हम यहाँ इस मुल्क में क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे। हमारे एक बहुत बड़ा इशू है फरा। अच्छा,
आप इसको पसंद करते हैं? गुड. क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि जब हम कुछ बन जाते हैं और हम अपने मकाम पे अल्लाह ताला में वो इज्जतें देते हैं, तो हम पलट के पीछे नहीं देखना चाहते, हम अपने जूनियर्स को नहीं सिखाना चाहते. मैं उस तरह का आदमी हूँ, और देखने वाले तमाम मेरे दोस्त भी इस बात से की गवाही देंगे कि मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर चलने वाला हूँ. और जूनियर्स में मैं अगर देखता हूँ कि पोटेंशियल है, स्पेशली बॉयज में, क्योंकि लड़कियों को तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल ही जाती है. हाँ, मतलब उनको डेफिनेटली ज्यादा एक अट्रैक्शन होती है कि चले जी ये प्रोडक्शन हाउस भी कास्ट कर रहा है वो, लेकिन लड़कों को हमेशा जरा सा स्ट्रगल करना पड़ता है. तो मैं बड़ा ओपन हार्टेडली हमेशा तारीफ करता हूँ, वी आर बहुत टैलेंटेड हैं एंड लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ. ठीक. अच्छा, तो फिर आप इस सिचुएशन में, यूर वन सक्सेसफुल एक्टर जिसने अपनी नीश, अपनी जगह क्रिएट की इस मार्केट में, जहाँ पे कि आप बकौल आपके ही, और ये जो है रियलिटी भी है कि मर्द एक्टर का ज्यादा स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल होती है. तो क्या सीक्रेट रहा फिर इसमें कामयाबी का? मैंने जी एक तो ये किया कि ये जो हीरोइज्म की एक लाइन है, एक जो रोल लगी हुई है, उससे मैंने अपने आप को हटा के अपने आप को एक वैरायटी और एक वर्सेटाइल एक्टर में डाल दिया. मुझे एक बात पता थी कि एक एज है खास हीरोज की, उसके बाद आके जब आप 45 साल की उम्र में आके ड्रामे में 22 साल की लड़की अपने सामने कास्ट करते हैं खुद पैसे देके, तो लोग बातें सुनाते हैं और वो बातें हम सुनते हैं कि जी ये क्या कर रहा है ये, इसने क्या, क्यों इतनी छोटी सी लड़की. बहुत चलते हैं ऐसे ड्रामे, क्या ख्याल आपका? हाँ जी, चलते बिल्कुल. हमारे यहाँ आज भी और एक फैंटेसी है, उसमें छोटी उम्र की लड़की और बड़ी उम्र का मर्द जो है वो नहीं, वो देखिए वो तो या तो कहानी ऐसी हो ना कि बड़े उम्र का, अब आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं 26 साल का, तो वो तो नहीं लग रहे हैं आप ना, तो वो तो फिर कंप्लेन्स आती होंगी. आप लोग भी सोचते होंगे जी इनको क्यों ले लिया, थोड़ा यंगर बंदा होता तो. ये तो हमारे व्यूअर्स भी एग्री करते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स कंडीशनलाइज्ड हैं, इनकी मर्जी से चीजें नहीं चलती, इनको जो दिखाया जाता है ये उसी पे एग्री कर जाते हैं. हमेशा मैं कहता हूँ कि मुझे एक बात बताएं, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हमारे इंडस्ट्री में आती हैं, इतनी खुशबाश होती हैं आम जिंदगी में, इतने अच्छे वो कपड़े पहनती हैं, अच्छी वो हस्ती बोलती हैं, गाना गुना उछलना कूदना, जैसी वो ड्रामे में आती हैं उनको बेतहाशा रुलाया जाता है, उनका हाल खराब कर देते हैं. मुझे नहीं लगता कि हमारी जो खवातीन बैठी हैं ये हर वक्त उनको उसी तरह देखें, ये उनको खुशबाश भी देखना चाहती हैं. ये जो बच्चियां हैं जो छोटी स्कूल कॉलेजेस जाने वाली, ये अपने आप को भी तो कहीं रिलेट करें. मुझे लगता है, वेरी सॉरी टू से, कि ये डिस्क्रिमिनेशन है इन बच्चियों के लिए कि इनको 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में ऐसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं जिसमें सास ने मुसीबतें डाली हुई हैं, उनकी जिंदगी का पर्सपेक्टिव तब्दील करने में बहुत बड़ा हाथ है. उससे हो ये रहा है कि माशरे में ये लड़कियां इन चीजों को 30-40% अपनी जिंदगी में शामिल करके अप्लाई करना शुरू कर देती हैं, और वो अपने माओ पे, माँ बाप पे, या सास ससुर पे, या इवन शोहरों पे अनकॉन्शियसली ये रेफरेंसेस देना शुरू कर देती हैं कि यूं भी तो होता है, ऐसा भी तो वो शॉर्ट परेशान होता है कि ये कहां से देख रही है बातें, ये कहां से सुन रही है. पता चलता है जी जो ड्रामा कल रात को देखा है उसने, वो रात भर सोचती रही है कि यार ये मेरे साथ अगर हुआ तो मैं तो सुबह होता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी है. मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता, अब ये जो बच्चियां ड्रामों में ली जा रही हैं, बच्चे लिए जा रहे हैं, इन पे हैप्पी कहानियां होनी चाहिए, इनकी लाइफ स्ट्रगल पे भी ड्रामा होना चाहिए. 24 घंटे दूसरी शादी, पहली शादी, उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, उसका बच्चा, तेरा बच्चा, मैं भी तंग आ गया हूं और मैं तो ये ड्रामे करता ही नहीं. और ये अब ना इन लोगों पर लेकिन इल्जाम है, इन व्यूअर्स पे, इन खवातीन पर ये इल्जाम है मार्केटियर्स का कि जी ये देखना ही चाहते पर नहीं देखती नहीं है. ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. नहीं, ये आप पता नहीं क्या कह रही है, मैं भी इसी बात पे सेकंड करूंगी. जो मार्केटियर कहते हैं रेटिंग शीट्स जब हमारे सामने खुलती है वो कुछ और कहती है, वो वही कहती है जो कि हम यहाँ पे नहीं. लेकिन ये लोग मजबूर है ना, ये लोग मजबूर ये है कि इनको आप देख, अच्छा हैप्पी ड्रामा, ये उसको भी देखिए. तन्हाइयां एक ड्रामा था, सारी तकलीफें थी, सारी परेशानियां थी, लेकिन तन्हाइयां क्यों अच्छा लगता था? उन सारी तकलीफों में, परेशानियों में शहनाज शेख या मरीना खान आपको हंसते बोलते हुए, स्ट्रगल करते हुए, फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दैट, वो नजर आती थी. इसी तरह के पड़ोसी ड्रामा था, ये क्यूट ड्रामे थे जो फैमिली को डिपिक्ट करते थे, और हर वक्त रोना धोना और एक मर्द की दो शादियां, तीन शादियों पे नहीं थी कहानी. तो वो आपने छोड़ दी चीज और आप चले गए उस वाले सेक्टर में जो पड़ोसी मुल्क चीजें बेचता है ना. हाँ, लेकिन उसका एक वर्जन ये भी है ना कि हमारे यहाँ के मौजूदात बहुत ज्यादा होता है. ब्रेक के लिए कह रहे हैं. हाँ जी बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं.